नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आमला, बच्चों की शिक्षा पर पहले तो पड़ी कोरोना की मार, अब शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले के आमला विकास खंड अंतर्गत आने वाले पाचन जोत गांव के प्राइमरी स्कूल की। यहां अध्ययनरत कोई 45 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने स्कूल तो पहुँचते हैं, लेकिन स्कूल में लटके ताले को देख उन्हें शिक्षा की जगह मायूसी ही हाथ लग रही है। ऐसे में बच्चे पढ़ने की बजाय बकरी चराने पहुँच जाते हैं, बावजूद जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। अगर बात करें पाचन जोत प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं की कार्यप्रणाली की, तो यहाँ तो सब कुछ इनकी मर्जी से ही होता है। ना स्कूल खुलने का समय निर्धारित है और ना ही बच्चों को ग्रहण कराई जा रही शिक्षा का कोई स्तर है। स्कूल में अध्ययनरत बालिका शीला, पूनम, सानिया, गीता आदि ने बताया, हम स्कूल पढ़ने तो जाते हैं लेकिन स्कूल में ताला लटका रहने से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी यशवंत झरबड़े, बीआरसीसी मनीष थोटे से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया, ग्राम पाचन जोत प्राथमिक स्कूल में अनियमितता की शिकायत मिली है। शिकायत को संज्ञान में लेकर 5 सदस्यीय दल का गठन कर जांच करवाई गई। जांच दल को स्कूल में अनियमितता मिली है, जांच प्रतिवेदन बनाकर उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। वहीं अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त अभिमत पर प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षकों में से एक शिक्षक को अन्य स्थानांतरित कर व्यवस्था बनाई जाएगी। गुड़िया बताना, क्या आपके माँ साहब आते हैं स्कूल? एक बजे आता है, हमारा सर वो ढंग से पढ़ाता भी नहीं, और रोटी सब्जी एक दिन खिचड़ी एक दिन पूरी ऐसा बनता है। अच्छा, मैडम आती है? मैडम एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है। अभी कितने दिन से नहीं आई? 3 दिन से। अच्छा, तुम लोग गिनती आती है सबको? मुझे आता है। और बाकी को? मुझे भी आता है। कहाँ तक आती है? और ये आप लोग उड़िया नहीं आता तुमको? उड़िया अच्छा अच्छे से पढ़ाता है मैडम? क्या करते हैं दिन भर स्कूल में आके? अच्छा ठीक है, चल डांटते हैं। क्या के लिए डांटते हैं? आप लोग पढ़ना चाहते हो दूसरे बच्चों के समान? कुर्सी में भी सोता बोलता हूँ। ऐसा करके कैसे सोता है? ऐसा सही बात है। अच्छा ठीक, और क्या देखो, और क्या करते हैं मैडम? नींद होता है कुर्सी में बोर्ड पे लिख के बताते कि नहीं? बताता लेकिन पढ़ाता नहीं। उन्हें उधर सर जी और मैडम बैठ के रहता है टेबल पे। टेबल में कितनी पीरियड लेते हैं, कितनी बार आते हैं कमरे में? एक ही बार आ जाता और उधर चल जाता। एक ही बार, ये मतलब 6 घंटे में एक बार ही आती है ना? एक बार आके किसी को मार के चला जाए। मैंने सही बात कही, मेरे तो बात सही है ना यार, टेबल बनाया नहीं है लड़के बच्चों। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है, क्या पद है श्रीमान जी? मैं मनीष धोटे, बीआरसी आमला। जैसा ज्ञात हुआ विकासखंड आमला के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पाचन जोत स्कूल में बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में कोई अनियमितता सामने आई है, विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? विभाग द्वारा यहाँ से जांच दल गठन करके जांच करवाई गई, और जांच में जो अनियमितता पाई गई उसके संबंध में प्रतिवेदन बना करके उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टिया जांच दल ने क्या खामियां पाई स्कूल में? बच्चों का शैक्षणिक स्तर व्यवस्थित नहीं था जी, एवं शिक्षक के द्वारा जो है शाला परिसर के आसपास की जो व्यवस्था बना के रखना था हो नहीं पाएगा, शिक्षक के स्वयं के आने और जाने का समय नहीं पाया गया व्यवस्थित। इस संबंध में अपने प्रतिवेदन के साथ में कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी श्रीमान जी? वर्तमान में अभी त्वरित के लिए एक शिक्षक को वहाँ से अन्यत्र संस्था में पदस्थ कर दिया जा रहा है, और शेष कार्रवाई के लिए जो है जिला कार्यालय को प्रतिवेदन दिया गया है,
जिला कार्यालय से जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार उतार। आमला से खबर समय जगत के लिए हरि प्रसाद गोही की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।